आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। देश में इस समय वन नेशन और वन इलेक्शन पर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल पर जोर देते हुए कहा है कि इससे देश का विकास तेज गति से हो सकेगा। वहीं एनडीए में सहयोगी दल जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस पर सहमत दिख रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया से बात की। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग चुनाव होने से देश का विकास बाधित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला पार्टी के लिए मान्य होगा। वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए अच्छी पहल हो सकती है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए कहा है कि राज्यों में अलग अलग चुनाव होने से राज्य का विकास आधी तरह से बाधित हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बड़ी पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है। क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन? आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने का प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन से पूरे देश में 5 साल में केवल एक बार ही चुनाव होगा। मोदी सरकार का इस संबंध में तर्क है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि चुनाव में देश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। न्यूज़ बिहार पर बने रहिए, लगातार खबरें चल रही हैं और इन खबरों के माध्यम से अपडेट रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा तो खबर आप जहां रहिएगा आपको मुफ्त में प्राप्त हो जाए करेंगी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।